तो स्टूडेंट्स, हमने बेसिक कंपैरिजन टेस्ट कर लिया, ज्योमेट्री सीरीज का प्रूफ कर लिया है, और पी सीरीज का प्रूफ हम लास्ट में करेंगे। अगर मैं अभी कराऊंगा तो आपको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज नहीं होगी, है ना। तो हम पहले प्रॉब्लम्स करते हैं। तो इस प्रॉब्लम सेट का नाम रखते हैं प्रॉब्लम सेट 1। प्रॉब्लम सेट 1 यूजिंग कंपैरिजन टेस्ट। तो पहले ही बता रहा हूँ बच्चों, जो भी प्रॉब्लम आप इस कंपैरिजन टेस्ट से कर रहे हैं वो सारी प्रॉब्लम किसी और टेस्ट से भी हो सकती हैं। तो ये सिर्फ एम है। व्हाट इज द एम ऑफ दिस दीज प्रॉब्लम्स इज कि आपको फैमिलियर कराना, सिर्फ आपको फैमिलियर कराना कंपैरिजन टेस्ट कैसे लगाया जा सकता है, ठीक है बेटे, और आप कैसे कंपैरिजन टेस्ट को आप बेहतर तरीके से यूज करेंगे, ये बातें हैं सिर्फ। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, एग्जाम्पल 1 कहते हैं टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस। एग्जामिनर हमें कह रहे हैं कि टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस, तो जो बच्चे ग्रेजुएशन वाले हैं, अपने कॉलेज की पढ़ाई के लिए पढ़ रहे हैं, तो उनको तो एग्जामिनर बोल सकता है कि आप इस टेस्ट सेट करो। लेकिन जो एंट्रेंस वाले बच्चे हैं, यूपीएससी वाले बच्चे हैं, वो अपनी मर्जी से किसी से भी कर सकते हैं, उनके पास चॉइस रहती है। तो ए, एग्जाम्पल ए कहते हैं सीरीज टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज एन स्क्वायर प्लस 1, एन इज इक्वल टू 1/24। चलिए जी, पहला एग्जाम्पल आ गया आपके सामने, तो सॉल्यूशन भी आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। सॉल्यूशन देखिए, तो यहाँ पर ए एन क्या हुआ, पहले तो हमारा ए एन हो गया स्टूडेंट्स 1/n² +। तो सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स, अगर आपको बेसिक कंपेरिजन टेस्ट लगाना है तो ये वेरीफाई करना पड़ेगा। यस स्टूडेंट, ये 0 से बड़ा होगा, फॉर ऑल एन बिलोंग्स नेचुरल नंबर। तो जो हमारी सीरीज है उसकी जो टर्म्स हैं वो नॉन नेगेटिव टर्म्स या पॉजिटिव टर्म्स हैं। अब मुझे बताओ स्टूडेंट्स, क्या n² + 1, n² + 1 की जो हम बात कर रहे हैं आपसे, एक मिनट, n² + 1 क्या बड़ा है एन स्क्वायर से? यस और नॉट, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है कि नहीं, बताइए। इसको और सुंदर तरीके से लिखते हैं, ऑर्डर में गड़बड़ी नहीं आनी चाहिए, नहीं तो लिख तो देते हैं, तो ऑर्डर में गड़बड़ी ना आए तो इसके लिए भी कर लेते हैं कि एन स्क्वायर जो है छोटा है किससे, n² + 1 से। बात सच है, तो बताइए 1/n² कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा 1/n² +, राइट, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू। तो अब आगे वाली सीरीज कौन सी है, बी एन। तो सीरीज बी एन हमारी है 1/n² जो आगे वाली सीरीज है, और 1/n² जो है बेटा वो कन्वर्ज करेगा बाय पी सीरीज। क्यों भला सर, कैसे पता चला? अरे n^p है भाई, बाय पी सीरीज से कन्वर्ज करेगा कि नहीं करेगा? देखो तो ये लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो रिकॉर्ड करते हुए कई बार चीज़ें थोड़ी सी अलग हो जाती हैं, पर मुझे लग रहा है कि आप अटेंड कर रहे हो क्लासेस। कन्वर्जेस बाय पी सीरीज, वाई? बिकॉज पी इज 2 एंड विच इज ग्रेटर देन 1, दिस इज सफिशियंट। तो आगे वाली सीरीज है हमारी बी एन 1/n² जो कन्वर्ज कर रही है। तो देयर फॉर स्टूडेंट्स, बाय बेसिक कंपेरिजन टेस्ट, अगर आगे वाली सीरीज कन्वर्ज कर रही है तो पीछे वाली सीरीज 1/n² + 1 भी क्या करेगी मेरे बेटा, कन्वर्ज करेगी। देयर फॉर द सीरीज कन्वर्जेस। कितना आसान प्रूफ था, हमने यहाँ पर बेसिक कंपेरिजन टेस्ट का इस्तेमाल किया और प्रूफ को लिख दिया बेटा, करेक्ट है। आई होप यू एंजॉयड दिस एग्जाम्पल, ए पार्ट। चलिए बी पे चलते हैं, स्टार्ट विद द बी पार्ट। बी पार्ट है स्टूडेंट सीरीज 2^n+1, कहता है टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। तो जी करते हैं शुरू, फिर से वैसे ही करते हैं, बिल्कुल एकदम बहुत आसान तरीका है स्टूडेंट इसको प्रूव करने का, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। यहाँ लिखना शुरू करते हैं हम अपना सॉल्यूशन। पहले तो ए एन क्या है, ए एन है 1/2 n।
क्या ये जीरो से बड़ा है? यस गुरुजी, बिल्कुल जीरो से बड़ा है, क्योंकि हम डील कर रहे हैं सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स में, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, राइट। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, क्या 2 टू द पावर n प्लस n बड़ा होगा 2 टू द पावर n से कि नहीं? सोच लो आप अपनी तसल्ली से, n की वैल्यू 1 2 3 पुट करके देख लो चाहे तो। 1 अपॉन 2 टू द पावर n प्लस n क्या छोटा होगा 1 अपॉन 2 टू द पावर, बड़ा बराबर भी लगा देते हैं, चलो कोई एक तो हो, लाजी ये भी हो गए, ओके। अब यहां पर आगे वाली सीरीज कौन सी है, सीरीज bn कौन सी है यहां? तो आगे वाली सीरीज है 1 अपॉन 2 टू द पावर n, ये है ज्योमेट्रिक सीरीज, ये है ज्योमेट्रिक सीरीज। इसकी कॉमन रेशियो क्या है मेरे बच्चों? कॉमन रेशियो है हाफ, और वो किससे छोटा होगा? 1 से। तो देयरफॉर सीरीज कन्वर्ज। अरे ये तो आगे वाली सीरीज तो कन्वर्ज कर गई, तो देयरफॉर बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट अगर मैं लगाऊं मेरे बेटा, कौन सा टेस्ट? बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, तो क्या ये पीछे वाली सीरीज भी कन्वर्ज करेगी? यस, दिस विल आल्सो। मुझे लगता है बात एकदम क्लियरली समझ में आ गई होगी मेरे बच्चों आपको, कि अगर आगे वाले सीरीज कन्वर्ज कर रही है तो पीछे वाली भी कन्वर्ज करेगी, और अगर बाय चांस ऐसा हो जाता है कि पीछे वाली डाइवर्ज कर रही है तो आगे वाली भी डाइवर्ज करेगी बाय द कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट। चलिए जी एग्जांपल सी ले लेते हैं, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस का एग्जांपल नंबर सी। सी एग्जांपल बड़ा अच्छा एग्जांपल है, ये एंट्रेंसेस में भी आया हुए हैं एग्जांपल्स। प्लीज जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या ग्रेजुएशन में जिनके पास मैथमेटिक्स है, तो उनको बीटेक वाले बच्चे, उनको बहुत मजा आने वाला है इन वीडियोस में, बहुत सिंपल तरीके से चीजों को समझाया। तो चलिए जी अब बताइए फिर से सॉल्यूशन करते हैं हम अपना, है ना। तो व्हाट इज nth टर्म हियर? सबसे पहले तो nth टर्म को डिफाइन करना पड़ा था, तो आप n की वैल्यू 1 2 3 करके चेक कर सकते हैं कि ये सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स है कि नहीं, ये है ना भाई, यस। तो पहली कंडीशन तो ये सेटिस्फाई हो गई। अब बात शुरू करते हैं एन से बेटा, एन से बात, क्या एन बड़ा या बराबर होगा वन से? यस सर जी, बिल्कुल बड़ा बराबर होगा, और वन अपॉन एन कैसा होगा किशोर जी? छोटा बराबर होगा, करेक्ट है। तो टू बाय एन किससे छोटा बराबर होगा सर जी? उससे छोटा बराबर, ये बात सच होगी सभी नंबर्स के लिए। देखिए अंदर वाला हिसाब किताब बनने जा रहा है, तो इसमें 50 ऐड कर दूंगा, अगर मैं 50 प्लस 2 बाय n, तो यह किससे छोटा बराबर होगा बेटा? 52 से, फॉर ऑल द टर्म्स, राइट। अब मल्टीप्लाई करना रह गया 1 बाय 2 टू द पावर n, तो 50 प्लस 2 बाय n इंटू 1 बाय 2 टू द पावर n किससे छोटा बराबर है बच्चों? 52 इंटू 1 बाय 2 टू द, अरे ये तो सर बेसिक कंपैरिजन टेस्ट वाला स्टेटमेंट बन गया, ए एन इज लेस देन इक्वल टू बी एन, तो यहां पर सीरीज बी एन है क्या और के क्या है? अगर मैं बच्चों यहां पर देखूं तो मुझे ये तो भाई साहब के नजर आ रहे हैं, ये भाई साहब बी एन नजर आ रहे हैं, और ये पूरा हमारा ए एन नजर आ रहा है, तो मुझे बेसिक कंपैरिजन टेस्ट की स्टेटमेंट साफ साफ दिखाई दे रही है कि वो बन गई है, राइट। तो सीरीज बी एन है क्या? 1 अपॉन 2 टू द पावर, अरे भाई ये तो ज्योमेट्रिक सीरीज है, ये तो ज्योमेट्रिक सीरीज है, और ज्योमेट्रिक सीरीज में कॉमन रेशियो कैसी होगी मेरे बेटा? इसमें 1 बाय 2 है, और 1 बाय 2 तो 1 से छोटा है, तो देयरफॉर सीरीज कन्वर्ज। तो अरे ये तो आगे वाली सीरीज कन्वर्ज कर गई, तो बाय विच टेस्ट? बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, क्या पीछे वाली सीरीज ए एन भी क्या करेगी मेरे बच्चे? कन्वर्ज करेगी। अगर आगे वाली कन्वर्ज कर रही है तो पीछे वाली सीरीज भी क्या करेगी मेरे बेटा? कन्वर्ज करेगी। करेक्ट है। तो ये देखो मैंने तीन एग्जांपल ए बी सी तीन एग्जांपल आपको कराए बड़े अच्छे से। अब एग्जांपल होमवर्क के लिए भी मिलना चाहिए आपको ऐसे में, सारे बिल्कुल डिटो कॉपी करता जाऊंगा तो कैसे मजा आएगा आपको मेरे बेटा।
तो डी ए पार्ट जो है आपको होमवर्क दिया जाता है, ये अगर है कार्य है आपका, आप ट्राई कीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन आपसे हो जाता है तो मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अंडर रूट वन अपॉन एन क्यू। आंसर आप अपने आप ही देख लीजिएगा, कन्वर्ज करेगा डायरेक्ट। चलिए एग्जाम्पल नंबर टू से स्टार्ट। ये बहुत इजी प्रॉब्लम्स दी थी मैंने, बहुत इजी प्रॉब्लम। अब थोड़ा सा लेवल टफ कर रहा हूँ, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस। फिर से बोल रहा हूँ मेरे बेटा, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस। तो टेस्ट फॉर, फिर से ए पार्ट, हमारा ए पार्ट क्या है बेटा, कॉस स्क्वायर एन अपॉन एन स्क्वायर, ये सीरीज। चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। हमें तो बेसिक कंपेरिजन टेस्ट ही लगाना है, हमें टेंशन क्यों लेनी है फालतू की बेटा। पहले मुझे बताओ मेरे बेटा, कॉस थीटा क्या बाउंडेड बाय वन है? यस, ये बाउंडेड की डेफिनेशन है कि नहीं बताओ। बाउंडेड अबव बाय वन, बिलो बाय माइनस वन, यस और नॉट? मॉड लगा रखा है भाई, राइट? तो अब इस पे स्क्वायर कर दो भाई। चलो तो कॉस स्क्वायर थीटा इज बाउंडेड, अब ऐसे लिखा जाएगा मेरे बेटा जी। ओके, अब डिवाइड में एन स्क्वायर कर दो ताकि हमारा एक्सप्रेशन आ जाए। आ गया हमारा एक्सप्रेशन एन स्क्वायर, और यहाँ भी एन स्क्वायर। अरे ये क्या, ये तो हमारी बेसिक कंपैरिजन टेस्ट वाली स्टेटमेंट बना दी हमने वापस। और बेसिक कंपैरिजन टेस्ट की स्टेटमेंट में बच्चों क्या ये है ए एन दिख रहा है, और के आपका वन हो गया, और क्या ये मेरे बेटा बी एन दिख रहा है आपको। तो अगर आगे वाली सीरीज, तो सीरीज बी एन है क्या हमारी? हमारी सीरीज बी एन है पी सीरीज, वन अपॉन एन स्क्वायर, और ये पी सीरीज है, और पी सीरीज में है क्या पी आपका? ये है टू, और जो कि वन से बड़ा है, तो देयर फोर कन्वर्जेस। तो भाई आगे वाली सीरीज तो हमने प्रूव कर दिया कि कन्वर्ज कर रही है, तो अब बेसिक कंपैरिजन टेस्ट चुप थोड़ी बैठेगा, वो भी तो बोलेगा भाई अगर आगे वाली कन्वर्ज कर रही है तो हमारी पीछे वाली सीरीज ए एन भी क्या करेगी मेरे बेटा, कन्वर्ज। कितना आसान प्रूफ था, बस थोड़ा सा आई क्यू लेवल याद रखना है। आपने सीक्वेंसेस पढ़ा है तो ये चीजें थोड़ी बहुत की होंगी, मॉड कॉस थीटा बाउंडेड अबव बाय वन, बिलो बाय माइनस वन, है ना? तो उसको मॉड कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू वन के टर्म में भी लिख सकते हैं, करेक्ट। चलिए एग्जाम्पल टू पे चलते हैं बच्चों। एग्जाम्पल टू क्या कहता है हमारा, एग्जाम्पल टू मेरे बेटा बी। फिर से हमने एक और बढ़िया एग्जाम्पल लिया आपके लिए, टू प्लस कॉस थीटा। ये सारे एग्जाम्पल्स, इनमें से कोई भी आपके एग्जाम में आ सकता है ना, और उनको यूज कर सकते हैं। ये लो जी, टू प्लस कॉस एन अपॉन थ्री टू द पावर एन बना दिए, बना दिया जी। अब कराओ जी सर जी इसका सॉल्यूशन। मैं तो पहले ही कहता हूँ चीजें बहुत आसान होती हैं, आप ही उसको मुश्किल बना देते हैं। चलो तो करके देखते हैं, पता नहीं किस करवट उठ बैठेगा। ये तो पता ही है कॉस थीटा बाउंडेड अबव बाय वन है, बिलो बाय माइनस वन है। मैं तो अपनी तरफ से ट्राई करूंगा कि कौन सा वाला तरीका काम करेगा, हमारा पता नहीं है अभी तो। अब ये एक्सप्रेशन बनाना है तो दोनों तरफ टू तो ऐड करना ही पड़ेगा मेरे बेटा। तो ये थ्री हो गया, तो अब मुझे थोड़ा सा आइडिया लग गया है, अगर मैं थ्री टू द पावर एन से डिवाइड कर दूं तो आगे की तरफ ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है ना, तो मैं पीछे वाला हिस्सा अपना छोड़ देता हूँ, मुझे क्या जरूरत है उसके पल्ले पड़ने की भाई। अब तो हम इस बात को अभी छोड़ देते हैं, तो यहां से ले लेते हैं कि अगर, हाँ आपको समझ में आ जाएगी मेरी बात, तुरंत ही आ जाएगी। लेस देन इक्वल टू वन, तो ये लेस देन इक्वल टू दिस हो गया ना बेटा। अब इसमें पहचानो कि ए एन क्या है और बी एन क्या है और के क्या है। भाई ये तो ए एन लिखा हुआ है और आपका के हो गया थ्री। ओके जस जी, कोई कोई बच्चा के थ्री लेगा, कोई नहीं लेगा, फर्क पड़ता है, अपनी अपनी चॉइस है। के को थ्री नहीं भी लेगा तो कोई बच्चा चलेगा, कैसे कर पाएगा वो भी बताएंगे आप। ओके तो भाई आगे वाली सीरीज बी एन, तो सीरीज बी एन हो गया हमारा सीरीज वन अपॉन थ्री टू द पावर एन, जो कि ज्योमेट्रिक सीरीज है मेरे बच्चों, जो कि ज्योमेट्रिक सीरीज है, राइट? और इसमें जो कॉमन रेशो है वो वन बाय थ्री है, वन बाय जो किससे छोटी है, वन से, देयरफॉर कन्वर्जेस।
तो जैसा मैंने कहा आगे वाली सीरीज अगर कन्वर्ज कर रही है तो बेसिक कंपेरिजन टेस्ट चुप थोड़ी बैठेगा, वो भी कहेगा भाई अगर आगे वाली कन्वर्ज कर रही है तो पीछे वाली भी कन्वर्ज करेगी। तो सीरीज ए एन ऑल्सो कन्वर्जेस मेरे बेटा। पीछे वाले तो ए एन है ना भाई, वो गलती से ब्लू से आ गया। ए एन ऑल्सो कन्वर्जेस बाय विच टेस्ट? बेसिक कंपेरिजन टेस्ट। पर मैंने यहाँ इस क्वेश्चन में बताया नहीं ए एन क्या है, ये तो आप समझदार हो चुके हैं कि आप ए एन अपने आप से ले लें। अब आगे से ए एन है हमारा 2 cos n / 3 n है। तो ये वाली टाइप भी आपकी हो गई है, और भी टाइप्स हैं। ये सारे क्वेश्चंस मैंने बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से किए हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस वो कराने जा रहा हूँ जो सिर्फ बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से ही होंगे, तो वो थोड़ा ध्यान रखने पड़ेंगे आपको स्टूडेंट्स। देयर इज अ नोट, 2000 रुपये का नोट है भाई, इंपॉर्टेंट है प्लीज। ये नोट की पहली स्टेटमेंट, क्या पता है लॉग एन मेरे बेटा हमेशा छोटा होगा एन से। लॉग लगाने से चीजें ना औकात में आ जाती हैं, अपनी छोटी हो जाती हैं, वरना कोई लंबा लंबा फेंकता रहे जितनी लंबी फेंक लो। कोई भी आपका दोस्त बहुत लंबी लंबी फेंकता है उस पर लगा दो लॉग, आ जाएगी एक्यूरेट बात। तो दूसरी स्टेटमेंट है भाई लॉग एन इज ग्रेटर देन वन, यस फॉर ऑल, लेकिन सभी टर्म्स के लिए फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, क्योंकि लॉग ई वन होता है। चलो वहां तो बराबर हो गया, लेकिन ई की वैल्यू होती है 2.732, तो लॉग थ्री। सब ये दो रिजल्ट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये याद रखने हैं, जिनके बेस पे अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। करेक्ट है जी, चलिए शुरू करते हैं। तो एग्जाम्पल फिर से बोल रहा है, एग्जाम्पल थ्री है हमारा। ये सारी प्रॉब्लम हमने किस पे की है बेटा, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट पे की है, वही चल रहा है अभी। तो टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस का हमारा थर्ड एग्जाम्पल, और इसमें इस एग्जाम्पल में आपको इन दोनों स्टेटमेंट्स को यूज करके ही आंसर आएंगे। अच्छा, ए पार्ट कहते हैं सीरीज है मेरे बेटा आपकी एन 2 से इन्फिनिटी और 1/log है, तो डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज। तो सॉल्यूशन पहले तो बताओ, देखो एन किससे बड़ा बराबर है, एन बड़ा बराबर है 2 से, ये बात मानते हो सारे बच्चे है कि नहीं? तो अब लॉग लगाओ, तो लॉग एन बड़ा बराबर होगा लॉग 2 से, ये बात मानते हो, और वो बड़ा होगा 0 से। तो 0 से बड़ा दिखाना जरूरी था, सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स, ये मैं भूलता नहीं हूँ। तो अगर 1/log n 0 से बड़ा है तो 1/log n भी कैसा होगा बेटा, 0 से बड़ा ही होगा, छोटा नहीं होगा, राइट? ये फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स नहीं है बेटा, ये फॉर ऑल द टर्म्स विच आर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है मेरे बेटा। ये ऑल नेचुरल नंबर्स नहीं है ये बात, ये फॉर ऑल द टर्म्स विच आर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, 2, 3, 4, ये तो मैंने अलग से समझा दिया आपको। चलिए कोई बात, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। अब पहले वाली स्टेटमेंट को उठाओ, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, फर्स्ट स्टेटमेंट कि सर जी लॉग एन जो है एन से छोटा है। ओके नो प्रॉब्लम, तो 1/log n कैसा हो गया, 1/n से बड़ा हो गया। अरे मजा आ गया, ये तो हमारा बेसिक कंपेरिजन जैसा रिश्ता बन गया भाई, बड़े आराम से बेसिक कंपेरिजन टेस्ट रिश्ता बन गया। कैसे बन गया सर, दिखाएं आपको। ये पीछे वाला हो गया आपका ए एन, ये आगे वाला हो गया बी एन, और के आपका 1 हो गया भाई। साइन को ध्यान में रखिएगा प्लीज बस। तो अब ए एन क्या कहता है, सीरीज ए एन कहते हैं सीरीज 1/n इज अ पी सीरीज मेरे बेटा। कौन सी सीरीज है मेरे बेटा, पी सीरीज, जिसमें पी 1 है मेरे बेटा। मैंने एग्जाम्पल दिया था, तो therefore divergence, ये सीरीज क्या कर रही है मेरे बेटा। तो अब बेसिक कंपैरिजन टेस्ट जुब बैठने वालों में से तो है नहीं, तो वो कह रहा है कि भाई अगर पीछे वाली डाइवर्ज कर रही है तो आगे वाली भी क्या करेगी, डाइवर्ज। तो 1/log n भी क्या करेगी सीरीज मेरे बेटा, डाइवर्ज करेगी। बाय विच टेस्ट, द बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा, लेकिन ये वाला पोर्शन हम बार बार इस्तेमाल करेंगे क्योंकि
हमें बताना पड़ेगा जो ए एन है या जो भी बी एन है, जो भी आपने लेट किया है वो जीरो से बड़ा है, बताना ही पड़ेगा क्योंकि यही स्टेटमेंट हमने लिखी है बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। नेक्स्ट एग्जांपल बेटा बी पार्ट, इसका बी पार्ट देखते हैं जरा एक बार जाके। बी पार्ट, बी पार्ट कहता है सीरीज एन इज इक्वल टू 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 इन्फिनिटी लॉग एन अपॉन एन, ये ले लिए फिर से। तो चलो फिर से सॉल्यूशन, पर वो वाली बात कॉमन कॉमन है भाई सॉल्यूशन में, ये बात याद रखिएगा कि सर जी जो लॉग एन है अगर एन 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 लॉग एन एन टू से बड़ा बराबर लोगे तभी तो आएगा भाई, ऐसे कैसे आएगा। फिर तो ऑर्डर में बता ही देते हैं, मैंने पीछे तो बताया ही था आपको, फिर से बताए ठीक है जी। एन टू से बड़ा बराबर है तो लॉग लगाओ, तो लॉग एन बड़ा बराबर है लॉग टू से और लॉग टू जीरो से बड़ा, तो क्लियरली लॉग एन जीरो से बड़ा है तो एन से डिवाइड करेंगे तो भी जीरो से बड़ा रहेगा, एन ग्रेटर देन इक्वल टू टू। यस, ये तो मैंने बताना ही होगा हर बार। अब हम कौन से वाला रिलेशन यूज करें वन टू में से, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब ये बात इंपॉर्टेंट है ये जानना कि आप वन टू में से कौन सा वाला रिश्ते को ज्यादा महत्वता दे रहे हैं। तो भाई मैं तो दे रहा हूं लॉग एन जो है वो वन से बड़ा है और ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू टू है। ओके, इक्वल टू टू नहीं, ग्रेटर देन टू बोल देते हैं क्योंकि इक्वल टू पे शायद नहीं भी आए तो कोई बात नहीं। इक्वल टू टू पे e की वैल्यू 2.732 इस पे 1 होता ना तो 3 कर देता हूँ यार, एक टर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे सीरीज को। डिलीटिंग वन टर्म ऑफ द सीरीज विल नॉट चेंज द बिहेवियर ऑफ सीरीज, लेट अस टेक इट 3 टर्म्स, यहाँ 3 से कर देते हैं हम लोग तो मतलब 3, हाँ बड़ा बराबर मतलब 3, वी कैन टेक 3 ऑल्सो फ्रॉम। ओके, तो 1 अपॉन लॉग इन रुको बच्चों, अब बोलोगे तो आप लोग बोलोगे जल्दीबाजी में सर आपने 3 से कैसे ले लिया। अरे भाई सीरीज इनफाइनाइट है, इसको एक टर्म कम ज्यादा होने से उसके व्यवहार में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो प्लीज इस बात को दिल पे मत लीजिए। डिलीटिंग वन टर्म ऑफ द सीरीज विल नॉट चेंज द बिहेवियर ऑफ द सीरीज। अब पीछे वाली सीरीज पे आ जाओ, पीछे वाली है 1/n जो कि पी सीरीज है, पी सीरीज है यस, और पी सीरीज में पी आपका 1 है तो देयरफॉर सीरीज क्या करेगी बेटा, डाइवर्ज करेगी। तो बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, कौन सा टेस्ट लगा रहा हूँ बेटा फिर से मैं, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से अगर पीछे वाली सीरीज डाइवर्ज कर रही है मेरे बेटा तो आगे वाली सीरीज भी क्या करेगी, डाइवर्ज ही करेगी। बाय विच टेस्ट, बेसिक कंपैरिजन। तो ये जो आगे पीछे वाला हिसाब किताब मैंने आपको सिखाया है ना, ये अच्छा सिखाया है, इसी को याद रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा कभी भी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दो तो मैंने करा दिए, तीसरा होमवर्क, तो सी इज योर होमवर्क। एग्जाम्पल सी में दे रहा हूँ आपको सीरीज एन स्टार्ट्स फ्रॉम टू टू इन्फिनिटी लॉग एन अपॉन एन क्यूब। तो एक और देता हूँ, डी भी देता हूँ, सीरीज 1 अपॉन एन स्क्वायर लॉग एन। जरा ट्राई कीजिएगा सी और डी, हिंट सी डी के लिए हिंट देता हूँ, सी के लिए तो नहीं कोई जरूरत है आपको। लॉग एन 1 से बड़ा है बेटा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यस और नॉट। तो लॉग एन को आप एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो किससे बड़ा होगा बेटा, स्क्वायर से बड़ा हो जाएगा, तो 1 अपॉन एन स्क्वायर लॉग एन से करोगे तो 1 अपॉन एन स्क्वायर आ जाएगा। आगे खुद करोगे, अब मैं नहीं कराऊंगा, इसका मैंने हिंट दे दिया, ये आप खुद करेंगे। तो बच्चों ये मैंने बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, पी सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज, कुछ भी इस्तेमाल हो था उस सब का इस्तेमाल करके मैंने आपको ये सारी बातें ढंग से समझा दी हैं और ये सारा रिकॉर्ड हो गया है आपके लिए। तो ये स्टूडेंट्स लेक्चर 3 है आपका, तो लेक्चर 3 कंप्लीट हुआ, अब लेक्चर 4 आ जाएगा आपका जिसके अंदर हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट
और रेशो टेस्ट की बात करेंगे, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट और रेशो टेस्ट की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, और आगे भी हमारे लेक्चर्स को देखते रहिएगा, ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच।